नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोग को बताने जा रहा हूँ मैंने यार अपना यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट किया था। मेरी पूरी यूट्यूब की जर्नी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। पूरी जर्नी तो भाई आज की इस वीडियो में इम्पॉसिबल है, आज की नहीं भाई दो तीन वीडियो में भी इम्पॉसिबल है। तो इसका पार्ट वाइज जो है मेरे ख्याल से अगर मैं 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ तो भाई 7-8 पार्ट्स जो है इसके आराम से निकल जाएंगे। तो भाई मैं आपके घंटों तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, तो इसका मैं एक काम करा करूँगा भाई, हर वेनसडे को रात के 8 बजे सभी लोग रेडी रहना। जैसे कि इस बार वेनसडे को आ रहा है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है अगला वेनसडे को आएगा, तो ऐसे ही अपना जो सीरीज़ चलता रहेगा रात के 8 बजे आएगा। तो सभी लोग अपना फ्री निकाल के मीन्स फ्री होके टाइम निकाल के आया करना, देखा ओके मीन्स जो भी आप लोग को देखना देखना हो वो देख लेना। और यहाँ पे गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ गाइस मेरे को आखिर यूट्यूब के बारे में पता कैसे चला। ओके मैं तो भाई यहाँ पे मीन्स बहुत लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारे 3-3 चैनल है भाई, तीनों में से तुम कहीं पे भी वीडियो नहीं डाल रहे, बस इसी चैनल पे वीडियो डाल रहे हो। और भी भाई बहुत कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है, तो चलो यार एक एक करके मैं आप लोग को जो है सब कुछ बताता हूँ। मेरे चैनल से अगर आप लोग मेरे चैनल सेक्शन में जाके वहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर वहाँ पे कुछ 4 चैनल आप लोग को जो है देखने को मिलेगा। 4 में से गाइस 3 मेरे हैं और 1 चैनल जो है मेरे सर के हैं। सर के बोले तो जहाँ से मैंने भाई कंप्यूटर वगैरह सीखा है, और वहाँ पे क्या हुआ था भाई वो तो इन फ्यूचर मैं आप लोग को बताऊँगा। और चलो तो यार मैं आप लोग को बताता हूँ स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है। स्टार्टिंग गाइस आज से करीब 6 साल पहले हुआ था गाइस, जब हम लोग 5th स्टैंडर्ड में थे। और उस समय में क्या हुआ था गाइस कि हमारे क्लास में पेन का भाई बहुत ज़्यादा लोग शौकीन थे, इंक पेन और टेरामैक्स ट्राइमैक्स फिर फाउंटेन पेन, ये सब का भाई क्लास में कुछ ज़्यादा क्रेज़ था। अभी के टाइम में बोलो तो यार अगर आपके पास डिजिलॉक है, अगर आपके पास कुछ कोबरा बंडल है, तो क्लास में भाई वो होता है ना अलग ही नज़रों से देखते हैं सब लोग, भाई ये तो एकदम मालदार पार्टी है या कुछ अलग ही देखते हैं। ओके तो ऐसा सीन था भाई उस टाइम पे, अगर तुम्हारे पास बहुत महंगी वाली पेन है, और उस टाइम पे भाई 50 की एक पेन आती थी इंक पेन जो है, और टेरामैक्स ट्राइमैक्स ऐसी ओके, तो वो 50 रुपीज़ की भाई एक मिलती थी। अगर तुम्हारे पास वो एक है तो भाई समझ लो पूरी क्लास तुम्हारे ऊपर दीवानी है। ओके तो ऐसा चलता था। तो भाई वहाँ से मीन्स मेरा यूट्यूब का चालू हुआ। अब मेरे को पता चल गया था भाई क्लास में अगर कुछ तूफानी करना है तो भाई इंक पेन लाना ज़रूरी है, इंक पेन लाएंगे तो फिर भाई क्लास मीन्स मज़े आ जाएंगे ऐसा है। ओके क्लास में सब लोग अलग ही नज़रों से देखते थे। तो भाई मैं मीन्स कि हमारा तब नया नया घर जो है शिफ्ट हुआ था, मीन्स कि हम लोग उस टाइम पे जो है भाड़े पे मकान पे रहते थे, फिर उस टाइम पे भाई हम लोग का नया घर हुआ। ओके मीन्स कि भाई हमारा खुद का मकान था, तो भाई हमारा खुद का मकान और हमारा जो स्कूल था भाई वो बहुत दूर था, तो यार हमको चाहिए था भाई ऑटो या तो बस। तो यार यहाँ पे मीन्स कि ऑटो से अब आना जाना रोज का आना और जाना दोनों, सुबह जाते थे और दोपहर में हम लोग आते थे वो भी ऑटो से, तो ऐसा सीन था। तो फिर भाई क्या हुआ कि अब जो ऑटो में मीन्स कि भाई अब ऑटो में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं आऊँगा ना, अब और भी बहुत सारे लोग थे, और उसमें से भाई एक भैया थे जिनका चैनल अभी भी एग्जिस्ट करता है भाई, अभी भी उनके पास 200 सब्सक्राइबर होगा, मान 200 सब्सक्राइबर होगा, पर उनके चैनल का नाम मैं वगैरह कुछ भी नहीं बताऊंगा भाई, उन भैया ने मेरी एक भी हेल्प नहीं की। ओके तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे यूट्यूब तेरे को पता होगा करके, मैंने बोला यूट्यूब मेरे को नहीं पता ये क्या चीज़ है। फिर उस टाइम पे भाई हम लोग फ़ोन में भाई मेरे पास फ़ोन आता था, तो भाई मेरे को एक ही चीज़ पता था कैंडी क्रश खेलना है। उस टाइम पे भाई कैंडी क्रश मेरे को पसंद था, सब्बे सफ़र हो गया और भी क्लैश ऑफ क्लैंस ये सब गेम्स मीन्स ठीक ठाक लगते थे, वो सब खेलता था, और यूट्यूब वगैरह के बारे में तो मेरे को पता नहीं था। फिर उन्होंने बोला एक ये यूट्यूब करके होगा, उस ऐप तेरे फ़ोन में पहले से होगा करके, मैंने बोला कि ओके पहले से होगा करके। फिर उन्होंने बोला कि ये मैं लिख के दे रहा हूँ, इसको तू जो है सब्सक्राइब करना। फिर गाइस उन्होंने लिख के दिया और मेरे को पता भी चल गया भाई ये नाम से अगर मैं सर्च करूँगा तो उनका चैनल आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि तुम जो है मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करना, और उस टाइम पे भाई चैनल होना मतलब बाप रे बाप इन भैया का तो यूट्यूब चैनल है भाई, मीन्स कि अंदर से वो लगता है। फिर मेरे को भाई वहाँ पे पता चला कि उन्होंने मेरे को बोला भाई अगर तू मेरे 100 सब्सक्राइबर करवाएगा तो मैं तेरे को एक फाउंटेन पेन दूंगा। तो फिर मैंने बोला ये तो अच्छा बात है। फिर मैं घर पे गया, घर पे अपने मीन्स कि भाई मेरे को सब्सक्राइब वगैरह के बारे में पता था पर ईमेल आईडी से चेंज करना, फिर वहाँ से फिर एक और सब्सक्राइब करना, फिर दूसरी ईमेल बनाना, ऐसा कुछ पता नहीं था। तो फिर मैं वहाँ पे गया, फिर वहाँ पे मैंने मीन्स कि वहाँ पे नहीं भाई मैं अपने घर पे आ गया हूँ। ओके तो घर पे भाई मैंने अपने 2 फ़ोन में एक मम्मी का फ़ोन और एक पापा के फ़ोन में सब्सक्राइब वगैरह कर दिया, और फिर जब मैं ट्यूशन गया तो ट्यूशन में भी कर दिया। फिर ट्यूशन में भाई मैंने और भी बच्चे लोग को बताया कि भाई ऐसा ऐसा है तो तुमको ये सब्सक्राइब वगैरह करना है, और कुछ भी नहीं भाई उनको तो मैंने नहीं बोला कि मेरे को ये मिल रहा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा। उनके सब्सक्राइबर थे गाइस 24,
24 से भाई मैंने एक हफ्ते के अंदर 96 के आसपास लेके आ गया था। फिर जैसे ही 100 हुए तो उन्होंने मेरे को एक फाउंटेन पेन दिया। फिर मैंने पूछा भाई आपको मीन्स कि ये 100 सब्सक्राइबर के मिलेंगे क्या आपको ऐसा, तो उन्होंने बोले भाई मेरे को यूट्यूब जो है पैसा देगा। फिर मेरे को पता चला कि अच्छा ये फंडा है भाई, अगर मैं इनके पास 100 सब्सक्राइबर अगर मैं खुद अपने ही करवा लूँगा किसी तरह। उन्होंने बोला गाइस जब हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 100 नहीं भाई उस टाइम पे 1000 सब्सक्राइबर का था कुछ, और उस टाइम पे 4000 घंटे शायद से नहीं था यार, इतना मेरे को अच्छे से नहीं पता है, पर गाइस उस टाइम पे यार 1000 सब्सक्राइबर मायने रखता है ऐसा था। तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो भाई उस टाइम पे तुम्हारे लिए कुछ यूनिक और कुछ गिफ्ट ले आऊँगा करके। फिर मेरे को पता चला कि भाई ये तो मीन्स कि अगर मैं सब्सक्राइब करूँगा तो यहाँ पे पैसे दे रहे हैं। तो फिर भाई मैं यूट्यूब पे आया, मैंने यूट्यूब पे सबसे पहले मेरे को मैंने उनसे पूछा भाई, भैया से पूछा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह कैसे डाले, तो उन्होंने बोला भाई मेरे को तो कोई किसी ने सिखाया नहीं है, तो तू यूट्यूब पे सर्च करेगा तो सब मिलेगा। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च किया भाई हाउ टू डाउनलोड नहीं हाउ टू अपलोड ए वीडियोस लाइक जो भी है भाई, ये तो मैं अपना कंटेंट बता रहा हूँ ओके भाई यूट्यूब पे वीडियोस कैसे अपलोड करें। तो फिर वहाँ मैंने वहाँ पे देखा भाई ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया जाता है। फिर मैंने एक अपलोड किया भाई, अपलोड करूँ तो करूँ क्या। फिर मेरे को पता चला और उस टाइम पे पता चला नहीं भाई, उस टाइम पे भाई मेरा जो ड्राइंग होता है ना, ड्राइंग मतलब क्लास में भाई सेकंड और फर्स्ट तो मैं ही आता था भाई ड्राइंग में। तो फिर मैंने अपनी बहन को बोला कि तू जो है थोड़ी देर के लिए फ़ोन पकड़ ऐसा, मैं कुछ ड्राइंग वगैरह बनाता हूँ। और उस टाइम पे भाई मेरे को बोट वगैरह ये वो थोड़ा बहुत ड्राइंग बनाया था और कुछ पेड़ वगैरह के ड्राइंग बनाए थे, और अगर हो तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। और फिर उसके बाद वो ड्राइंग बनाया था, फिर मैंने अपने चैनल पे डाला था। अभी वो चैनल गाइज नहीं है, अभी वो चैनल नहीं है, अगर हो सके तो बाद में कभी दिखाएंगे। फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि भाई मेरी बहन और कितना टाइम कैमरामैन का वो करेगी, रोल निभाएगी, मतलब पूरा उसको आधा एक घंटा लग जाता था मैं जो बनाता था तब से पकड़े रहो। उस टाइम पे ट्राइपॉड वगैरह के बारे में मेरे को पता नहीं था। फिर धीरे धीरे दिन निकला, फिर मैंने सोचा कि ड्राइंग वाले में भाई मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, काम करता हूँ मैं जो गेम खेलता हूँ कैंडी क्रश वगैरह तो ये डालता हूँ। तो फिर मैंने एक और चैनल बनाया जिसमें मैं कैंडी क्रश खेलता था सब्वे सफ़र। तो इन सब के कैंडी क्रश की बात करें तो लेवल हो गया, ये लेवल वो लेवल कैसे कंप्लीट करें वो सब डालता था। उसमें भाई कोई वॉचिंग वगैरह नहीं आती थी, पर मेरे सब्सक्राइबर भाई वहाँ पे बढ़ गए थे, 200 से ज़्यादा थे। और अब ये भैया को जो है भाई चुल मची, अंदर से जो है जलन होने लगा, भाई मेरे कुछ 115 सब्सक्राइबर है और इसने भाई 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा लिए करके। अब हम दोनों के बीच में भाई वो जलन होता है ना एक दूसरे को, तो वैसा होने लगा, उन भैया को जलन होने लगी। फिर मैंने पूछा, और उस टाइम पे भाई मेरे को थंबनेल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जो मीन्स कि मैं उनसे ऐसा पूछने लगा कि ये फ़ोटो जो होता है ऊपर में उसको क्या बोलते हैं करके। उन्होंने बोला कौन सा फ़ोटो, मैंने बोला भाई ये देखो अभी वीडियो के अंदर दिखाएंगे ना भाई बैंगन का भरता कैसे बना रहे हैं, और वीडियो के ऊपर में ऐसा दिखाया जाता है कि वीडियो में मीन्स पिज़्ज़ा कैसे बनाए 5 मिनट में 10 मिनट में जो भी है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा हाँ अच्छा तू ये बोल रहा है करके। फिर उन्होंने मेरे को ये नहीं बताया ये थंबनेल बोला जाता है इसको, उन्होंने बोला कि तू यूट्यूब पे सर्च कर तेरे को सब पता चल जाएगा। और भाई बहुत कुछ भाई मेरे को कोई नहीं सिखाया, उनका यही कहना था भाई मेरे को कोई नहीं सिखाया तो मैं दूसरों को नहीं सिखाऊंगा, तुमको भी ऐसा ही चलना है ओके। तो फिर भाई मेरे को वहाँ पे ऐसा लगने लगा कि भाई इन भैया को जो है मेरे से जलन होने लगी, और हो भी रही थी। और फिर धीरे धीरे करके भाई मेरे को थंबनेल के बारे में पता ही नहीं था, मैं पूरा यूट्यूब छान मारा यार इसको, ये फ़ोटो जो है इसको बोला क्या जाता है। बाद में मेरे को पता चला यार क्लास में मीन्स कि मेरे को 3-4 दोस्त लोग को मैंने बोल रखा था कि ऐसा ऐसा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना ऐसा वैसा करके, तो उन्होंने कर रखा था। और जब कस्टम थंबनेल जो है इनेबल करना होता है अपना फ़ोन नंबर देके उस पे OTP वगैरह आता है, तो फिर उस टाइम पे भाई मेरे को ये सब पता नहीं था अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा OTP वगैरह आएगा करके। तो मेरे दोस्त ने भाई कुछ मेरे को बताया ओके, अब वो सब चीज़ भाई मैं Part 2 में लाऊंगा, अभी तक जो है मैंने आपको सब कुछ क्लियर हो जाए इतना मैंने बता दिया है। अब Part 2 में यार आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे दोस्त ने क्या बताया था और कितना हेल्प किया था जो भी है। तो चलो यार अभी के लिए तो बस इतना ही, और जो भी लोग नए आ रहे हो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी लोग नए आ रहे हो यार वो सब्सक्राइब कर दो, बाजू में जो बेल आइकन आता है उसको ऑल पे प्रेस ध्यान से कर देना। अब गाइस अपना जो सीरीज़ बच गया है यहाँ से चालू होता है, मैं यूट्यूब पे आ गया था सब्सक्राइब वगैरह अपना सब कुछ हो गया था, पर भाई मेरे को थंबनेल के बारे में नहीं पता था, बैनर लोगो ये सब तो भाई मेरे को कुछ पता नहीं था। लोगों की बात करें तो गूगल से डाउनलोड किया और चिपका लिया ऐसा था, पर मेरे को थंबनेल के बारे में पता ही नहीं था ये फ़ोटो को भाई बोला क्या जाता है, अगर मैं वीडियो में लगाऊं तो लगाऊं क्या। तो वो सब चीज़ भाई मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा। अगर आप चाहो तो यार इस वीडियो के अंदर अगर हमारे 20 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो
वेनसडे के साथ साथ मैं संडे को भी वीडियोस डालना चालू कर दूंगा स्टोरी टाइम के, वेनसडे और संडे दोनों में आ जाएगा अगर इस वीडियो के अंदर 20 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो। तो चलो यार, मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ।